हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अन्नू और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके से आलू मटर टमाटर की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बड़े तो बड़े बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। आज मैं इस सब्जी को एकदम नए तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। इस सब्जी को आप रोटी, पूरी, चावल या फिर समोसे के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। तो फिर आइए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चार आलू लिए हैं आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए। इनको मैंने छील लिया है। अब हम इनको कट कर लेंगे छोटे टुकड़ों में। ज़्यादा छोटे भी नहीं है आलू काटने हैं। आलू को हम दो भाग में काटेंगे। पहले हम ये इस तरह से काटेंगे, एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। अब हम इसको यहाँ से काट देंगे। इस तरीके से हम आलू को काटेंगे। तो आलू को हमने काट लिया है। अब हम आलू को धो लेंगे दो बार पानी से। तो आलू को हमने धो लिया है। अब हम आलू को कुकर में डाल देंगे। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आलू को हमने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दो गिलास पानी। पानी हम अच्छा ही लेंगे क्योंकि हमें इसी पानी का सब्ज़ी बनाने में यूज़ करना है, तो हम पानी अच्छा ही लेंगे। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। अब हम कुकर को गैस पर रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। तो गैस हमने ऑन कर दी है। आलू को हम बॉईल होने देंगे। इसमें दो सीटी आने देंगे। तो दो सीटी आ गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च। अब हम टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लेंगे। इसके ऊपर के हिस्से को हटा देंगे और जितना बारीक बारीक हो सकेगा उतना बारीक बारीक हम टमाटर को काट लेंगे। तो टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम अदरक लहसुन को कद्दूकस कर लेंगे अदरक घिसने वाले से। तो अदरक लहसुन को भी हमने क्रस कर लिया है। अब हम हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी फली वाली मटर ली है। आप इसकी जगह फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हमने काट ली हैं। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। अदरक और लहसुन क्रस करा हुआ डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे 1.5 चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। टमाटर और नमक के साथ ही हम डाल देंगे मटर। टमाटर और मटर के साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। और अब हम सारे मसालों को मिला लेंगे। मसाले हमारे मिक्स हो गए इसमें। अब हम इसको ढक देंगे ताकि मटर और टमाटर अच्छे से पक जाएं। जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए अच्छे से तब तक हमें इसे पकाना है मीडियम गैस पर। 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे। 5 मिनट में ही अच्छे से पक जाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं और मटर भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, और अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ना डालें। अगर आप फ्रोज़न वाली मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आलू के साथ मटर को डालिए, और अगर आप फली वाली मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टमाटर के साथ ही डाल दीजिए ताकि टमाटर के साथ साथ मटर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो मटर और टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, यानी कि अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।
इससे आलू मटर टमाटर की सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हम कम ही डालेंगे क्योंकि गरम मसाला ज़्यादा डालने से सब्जी का कलर काला सा दिखाई देने लगता है, तो हम गरम मसाला कम ही डालेंगे। और अगर सब्जी का कलर अच्छा दिखाई देता है तो बच्चों का अपने आप मन करता है सब्जी खाने का कलर देखकर। मेरे बच्चे हमेशा इसी तरह से सब्जी बनाने के लिए बोलते हैं। यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को एक बार मेरे बनाए हुए तरीके से ज़रूर ट्राई करना। अब हम दोबारा से फिर से ढक देंगे और इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का, सारे मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने आलू काट कर बॉईल किए थे। और अब हम आलू को भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम वही डालेंगे जिस पानी में हमने आलू बॉईल किए थे। हमें इस पानी को फेंकना नहीं है, हमें इसी पानी का इस्तेमाल करना है सब्जी बनाने में। अगर हम इस तरीके से सब्जी बनाते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और अपनी रेसिपी को मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम सब्जी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी मिला लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आलू मटर टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है। ये सब्जी हर किसी के साथ अच्छी लगती है खाने में। चॉइस आपकी, आप जिसके साथ खाना पसंद करते हैं उसके साथ खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।